भारत में चीनी यात्रियों को प्रवेश नहीं, केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने चीन को अब जवाब दिया है। केंद्र ने सभी एयरलाइंस को अनौपचारिक निर्देश जारी किया है कि वे चीनी यात्रियों को भारत में न लाए। सांता क्लॉज ने किया बड़ा धमाका, 157 जन हुए कोरोना संक्रमित, 18 की मौत। बेल्जियम में सांता क्लॉज का उपहार महंगा पड़ गया है। एक व्यक्ति द्वारा कोरोना फैलने की खबर है जो सांता क्लॉज बना था। इसमें 36 कर्मचारी शामिल है और 157 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और 18 लोगों की मौत हुई है। देश का सबसे प्रदूषित शहर ग्रेटर नोएडा। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की हवा लगातार खराब बनी हुई है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में ग्रेटर नोएडा पहले नंबर पर है। कुछ राज्यों में खुल गए स्कूल, कुछ जगह जनवरी में खुलेंगे स्कूल। जनवरी में देश के कई राज्यों में स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। मार्च के महीने से ही स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब धीरे धीरे स्कूलों को दोबारा खोलने की अनुमति दी जा रही है। पीएमसी बैंक घोटाले से जुड़ा संजय राउत की पत्नी का नाम। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में नोटिस जारी किया है। ईडी द्वारा वर्षा राउत को मंगलवार को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। फर्जी दस्तावेज के सहारे 4 साल से काम करने वाले 3 बांग्लादेशी नागरिक हुए मुंबई में गिरफ्तार। मुंबई पुलिस इन दिनों अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने के लिए ऑल आउट ऑपरेशन चला रही है। इसके तहत 3 बांग्लादेशी नागरिकों को भी इसी के तहत गिरफ्तार किया गया है। जांच में पता चला है कि ये सभी फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके पिछले 4 साल से मुंबई में रहकर काम कर रहे थे। मुंबई में छतों पर होने वाली पार्टियों पर रहेगी ड्रोन की पैनी नजर। मुंबई पुलिस अब मुंबई में छतों पर होने वाली पार्टियों पर ड्रोन के सहारे नजर रखेगी। 31 दिसंबर की रात को सुरक्षा के लिए लगभग 31,000 पुलिस सड़कों पर तैनात एवं ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जाएगी। 100 अवैध वाहनों पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, 71 ऑटो चालक शामिल। 31 दिसंबर के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने शनिवार को घनसोली और कोपरखैरने क्षेत्रों में 4 स्थानों पर नाकाबंदी की और कुल 100 वाहनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की। इसमें कुल मिलकर 71 रिक्शा शामिल है। राज्य सरकार ने पतंग उड़ाने वालों को दी चेतावनी। पतंग उड़ाने के लिए खतरनाक चीनी निर्मित धागे, कांच और लोहे के कणों से बनी धागों के उपयोग के कारण वन्य जीवों या पक्षियों की मौत के मामले में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई करने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। आगामी 1.5 सालों में नवी मुंबई में दौड़ेगी मेट्रो। बेलापुर से पेंढर तक मेट्रो का कार्य पिछले 9 सालों से खटाई में पड़ा है। इसी तर्ज पर मेट्रो के पहले स्तर के निर्माण कार्य के लिए नागपुर महा मेट्रो की सलाहकार के तौर पर नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। इसलिए अब आगामी 1.5 साल में मेट्रो का पहला चरण प्रवासियों के लिए शुरू किया जाएगा। ऐसा विश्वास सिडको के व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर संजीव मुखर्जी ने व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।